So for me, it's like opportunity and challenges work together. In the same word, same philosophy, which is challenges become opportunity every time. अब ये भाई का पता है रांची में आए हैं ये क्लाइंट है वो आप लोग के लिए अपॉर्चुनिटी है कलकत्ता जाके ऐसे क्लाइंट को से मिले वो चैलेंज है आपके लोगों से लिए अपॉर्चुनिटी है ये चीजें हैं साथ साथ चल रही हैं दोनों पैरेलल हैं और रही बात अपॉर्चुनिटीज और चैलेंज का तो आई जस्ट वॉन्टेड टू नो एवरी सर का इंडस्ट्री और आज भी और पहला चीज तो पूरा हम लोग हम लोग अगली अवस्था में लग रहा है कि अस्पताल के आईसीयू में बैठे आइडिया होना चाहिए।
की बात करें, जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट हॉरिजन का लोग इक्विटी मार्केट में आज भी नहीं आए, उनको लाने के तरीके के बारे में सोचो। वो अगर हम सोचना चाहिए, उससे अगर हम चैलेंज मिले और हम श्योर है कि जिस दिन हम इसको चैलेंज के तौर पर लेते हैं, आने वाला एक दिन होगा जब वो आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। इट्स बिग बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। रही कॉम्पिटिशन की बात, हम आपस में कम्पीट करते हैं, वी कम्पीट विद ईच अदर। हमने बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा, ऑब्जर्व किया, देखते होंगे चिड़ियों को, कबूतरों को, उड़ते हुए कोई दूसरे से लेकर आते हैं, साथ उड़ते हैं, सबको दिशा रखी और एक साथ गति से उड़ते हैं, कभी दूसरे को छूटे नहीं है, मस्त रहते हैं, फिर गति को पकड़े रहते हैं। हमारे एरिया में इतना बर्थिंग एरिया, जितना अनएक्सप्लोर्ड मार्केट है, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, रिटेल हो, कॉर्पोरेट्स हो, इंडिविजुअल्स हो, हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे पाते। मतलब बेसिकली खाली रिटर्न की बात करें, रिटर्न तो अपनी चीज है, वो अलग चीज है, उस पर आप अगर फोकस पे, अगर आपका प्लानिंग सही है, एडवाइजरी सही है, आप अगर क्लाइंट और प्रोफाइलिंग कर लेते हैं, अगर क्या ऐसा करें कि आज के तारीख में हम लोग सीरियस भले मेडिकल पढ़ने के लिए 5 साल पढ़ना पड़ता था, एमबीए पढ़ने के लिए 2 साल, म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए एग्जाम पास करना पड़ता था। अब हम लोग आए सीरियस बिजनेस में, अभी हम लोग पढ़ाई शुरू किए, नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग, वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स, और अब चेंजेस आना शुरू हुआ है व्हेन वी हैव स्टार्टेड डिलीवरी रिटर्न्स, बिकॉज़ अब हम समझने लगे कि है क्या चीज। एक समय था किसी ने कहा लगाना है, लगा दो भैया, रिटर्न देखा, चार्ट दिखाई देते, वो आईसीआईसीआई वाले के चार्ट देखे, जब रिटर्न आम जब नहीं लगाना तो इक्विटी में लगा रहे, निकलना है तो लोग चार रहे हैं। सो दैट वे वी हैव डन, वी हैव मेड इट अ फेयर फाइन। अब हम तो सीरियस बिजनेस में है, मार्केट्स आर ह्यूज फॉर एवरीवन ऑफ अस, वी हैव अ ह्यूज पोटेंशियल टू अर्न आवर लाइवलीहुड। अभी बेसिकली क्या है कि हमारा पेट दिन जगह है, इससे हमारा लाइवलीहुड चलता है, इससे हमारे परिवार आश्रित है, इससे हमारा पूरा सब कुछ आश्रित है। इट इज लाइक ब्रेड एंड बटर फॉर अस, वी आर नॉट मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, वी आर मेक इट क्लियर कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हम लोग नहीं है, वी आर नॉट डीलर डॉक्टर, वी आर फाइनेंशियल, वी शुड कॉल अस अ डॉक्टर, लुक एट द फाइनेंशियल डॉक्टर, टू डॉक्टर, वी आर एडवाइजर, वी शुड कॉल अस अ एडवाइजर, वी शुड नॉट नेम अस विद ए बी और सी और डी, वी शुड फोकस अस अ बी प्राउड टू कॉल अस अ फाइनेंशियल एडवाइजर, वी शुड रिमेन अ फाइनेंशियल एडवाइजर एंड डू आवर जॉब एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। The basic thing I just wanted to say is clarity, positions, planning, it's all a mind game. Opportunity, challenge, दोनों एक ही चीज है, कहीं कोई अलग चीज नहीं है। अगर आप काम करने निकलते हैं, आप तैयार हैं, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है कुछ मैच खेलने से पहले और आपको मालूम है, गलतियां सबसे हो जाती है, लेकिन अगर आपका एवरेज विल बी मोर बेटर देन एनीथिंग एंड मोर फोकस, अगर आप अपने काम को कंसेंट्रेट, फोकस, ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्ड, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या है, क्या रहे, मार्केट किसे कहते, बाजार कहाँ है, क्लाइंट किसे कहते, रिटर्न कहाँ है, सारी चीजों को अगर ऑर्गेनाइज करके स्ट्रक्चर करते तभी आप एडवाइजर कहलाएंगे। और जब सारी चीजों को आप अच्छे से कर लेंगे, बिलीव मी इज द ह्यूमन पोटेंशियल आउट हियर, वी थिंक अबाउट आवर पोटेंशियल, आई बिलीव इन देम, व्हाई कांट वी गो टू बॉम्बे, पर्सन कैन कम एंड ओपन अ ब्रांच इन रांची, वेरी गुड। चैलेंजेस उसको कहते हैं, चैलेंजेस लेना चाहिए जीवन में, इधर यू लूज और यू विल थिंक मटेरियल, बट यू शुड टेक चैलेंज एंड चैलेंजेस शुड बी टेकन इन अ पॉजिटिव नोट विदाउट कोई नथिंग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बॉम्बे का बैठा आदमी रांची में बिजनेस करता है, जब कुछ नंबर होता है, बैंक होता है, जितने कॉर्पोरेट एजेंट, नेशनल कॉर्पोरेट एजेंट है, वो आते हैं, चैलेंज कर लेते हैं, ठीक है, चैलेंज। What is that you don't have that person has? उसका एक आदमी आता है 10-12 हज़ार की नौकरी करता है, वो करके निकल जाता है, आप अपने बात करके नहीं कर पाते, इसका मतलब है आप में कमी है। You are not given time to yourself. You don't have a proper understanding of the market, proper understanding of the product, proper understanding of the client base. And this is the result of that. Result is not to come. It is not to come. So life में हमेशा रहना चाहिए। I remember today's meeting is that we should all think of growing, not going from matching to client name. I really take it as an opportunity of you going to Delhi, Calcutta, Bombay, Madras and take a client from that place and come back to Rashi and say, boss, we have a client of Bombay, Delhi, Calcutta. So that should be the initiative, that should be the courage and that should be our determination rather than talking about the market and knowledge about us. Main chhota sa ek aur presentation, 2 minutes back,